बिग बॉस 14 की सदस्य पवित्र पूनिया ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। पवित्रा ने बताया है कि बिग बॉस से निकलने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, पवित्रा ने बिग बॉस के बाद के दिनों की कंपैरिजन लॉकडाउन से तक कर डाली। पवित्रा ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, उन्हें सुसाइड करने के लिए ख्याल आने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल पवित्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि 28 नवंबर के दिन वो बिग बॉस के घर से बाहर आई और बिग बॉस के घर से बाहर आने के ठीक एक महीने बाद ही उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा कि उनके पिता का शरीर जो है वो पैरालाइज्ड हो गया था। ऐसे में बिग बॉस से जो भी पैसे उन्होंने कमाए थे वो उन्होंने अपने परिवार की देखभाल में लगा दिए। ऐसा नहीं था कि उनके परिवार वालों के पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे थे, लेकिन जब घर का बच्चा कमा रहा होता है ना, तब वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगता है। इस बारे में आगे बात करते हुए पवित्रा ने बताया कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ और दवाइयाँ मंगवानी है तो मैं अपनी मम्मी से उनका क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं मांगूँगी। पवित्रा ने आगे कहा, बिग बॉस के बाद के 1.5 साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे। वो 1.5 साल वाला दौर मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर रहा। मैं डिप्रेशन में जा रही थी, आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे, वो तो मेरे अपनों के प्यार ने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बिग बॉस से बाहर आने के बाद लोगों का करियर पीक पर चला जाता है, लेकिन मैं उस वक्त अपने घर वालों से पैसे ले रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं काम कर रही थी, लेकिन मेरे पास एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे। मैंने कोविड के दौरान किसी भी चीज़ के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं किया, मैं बहुत खुश थी, लेकिन बिग बॉस के बाद का टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब रहा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।